सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सो क्यों टल गुर सेविए एहनस सहजस भई। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से आए थे ना, यहाँ पेड़ के पास में उन्होंने घोड़ा बांधा था, यहाँ आराम किया था। ये मल के ऐतिहासिक स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा बना है। ये हम 2007 में शुरू किया था, धीरे धीरे काम चल रहा है इसका। जहाँ भी गुरुद्वारा बनता है ना, उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तभी गुरुद्वारा बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये यात्रुओं के लिए बनाया है कि रास्ते में कोई भी यात्रु आए, कभी दो गाड़ियाँ भर के आ गया, 100 आदमी आ गया, 200 आ गया, तो उनका खाना पीना यहाँ पे पूरा चलता है फुल। ये चारों धर्मों के लिए, मतलब सब धर्मों के लिए खुला है। कर्म की प्रधानता की बात की गई इस धर्म में, फिर बांट के खाओ, फिर भजन करो, फिर करो, इससे बड़ा मानवता का क्या संदेश हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली द्वारा से। बाबा जी, हाँ जी, हम लोग तो अभी यात्रा में निकले, हम लोग भी पदयात्री ही हैं, और यात्रा के ही दरमियान ये पवित्र स्थान है। हाँ जी, हाँ जी, भारत को जोड़ने के लिए ये करने की ये पदयात्रा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में राहुल गांधी जी मल के जो यात्रा कर रहे हैं ना जी, मल के अपने भारत को जोड़ रहे हैं, पे अपना एक हो जाए, इससे तो बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। और पूरी संगत को, पूरी दुनिया को मालूम पड़ रहा है, और कहां से कन्याकुमारी से मल के श्रीनगर तक पैदल जाएंगे, और देखो कितनी संगत भी साथ में चल रही है, कितने पुण्य दान हो रहे हैं, किसके हाथ से पुण्य हो रहा है, किसके हाथ से दान देना, यहाँ मल के पूरी इंडिया में अपने पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। कोई भी संगत आए और हाथ फैलाए, बाबा का प्रसाद हमेशा मिलता है, चाहे वो कितना करोड़पति भी होगा ना, तो चाहे भिखारी होगा, उसके पास साथ में बैठ के खाना खाएगा।